बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें, ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाज़रीन, आज की इस नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपको जो बीमारी के बारे में बताऊंगी वो है पुरानी से पुरानी खांसी है, उसका इलाज आज मैं बताऊंगी। जिसको पुरानी खांसी है, बहुत सालों से लगी हुई है, तो आराम नहीं आ रहा। आप इतने जतन कर रहे हैं, हर चीज़ की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आपको आराम नहीं आ रहा। बुरे तरीके से बच्चे और बूढ़े बड़े सब खांसी कर रहे हैं, तो हर किस्म के सिरप आप इस्तेमाल कर चुके हैं नाज़रीन, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप परेशान हैं, नहायत परेशान है कि अब हम क्या करें। तो नाज़रीन, आपने मेरे जो चैनल को आपने देखना है, इसको सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को भी देखना है, इसको लाइक करना है, ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियो मिले देखने के लिए। और मैं जो आपको खांसी के बारे में आज बताऊँगी, ये है नाज़रीन पुरानी जो खांसी हो जाती है तो उसका इलाज आप करते करते थक जाते हैं, मगर आराम नहीं आता। वक्फे वक्फे से खांसी आती है, किसी को बलगम आती है, किसी को खून आना शुरू हो जाता है, किसी के गले ख़राब हो जाते हैं, बहुत परेशानी होती है नाज़रीन। तो ये नुस्खा जो है बहुत कारामद और बहुत ही बेस्ट नुस्खा रहा। तो नाज़रीन, इसका आपने इस्तेमाल कैसे करना है और क्या चीज़ें लेनी हैं ये मैं आपको पहले बताती हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, शहद, शर्त यह है कि आपका खालिश शहद होना चाहिए। खालिश शहद आपका लेना है आपने। उसके बाद है काला नमक। ये देखें नाज़रीन, काला नमक है, ये आपके किचन में मौजूद होता है काला नमक, ये आपने लेना है काला नमक और शहद। तो जो भी मरीज़ है, जैसे छोटा बच्चा है, उसको आपने आधा चम्मच शहद और एक चुटकी काला नमक पाउडर बना लें अच्छी तरह। एक चुटकी काला नमक लेकर उसको शहद के अंदर मिक्स करें। रात को सोते वक्त आपको उंगली की मदद से या चम्मच, छोटा बच्चा है चम्मच से तो खा नहीं सकेगा, उंगली आप उसके मुंह में डालेंगे, ज़बान पे रखेंगे तो वो चाट जाएगा। तो आपकी तकरीबन छोटा चम्मच जो है एक उंगली बन जाएगी, तो आप ऐसी उठा के और बच्चे को चटा दें, तो बच्चा देखेंगे बड़े मज़े से शहद भी खाएगा, अच्छा लगेगा उसको, और जो है नमक है वो उसका गला ठीक करेगा, शहद से उसके गले में नरमाई आएगी, सुकून मिलेगा उसको। ये आपने जो है बच्चे को खिलाना है। जो बड़ा बंदा है, जैसे भाई 10-15 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, उसको आप जो है एक चम्मच शहद लें और दो चुटकी काला नमक, ये डालकर मिला के इतने बड़े बच्चे को दे। जो बूढ़े हैं उसको, उनको आपने बड़ा चाय वाला चम्मच और तीन चुटकी काला नमक, जो बूढ़े हैं हजरात उनको आपने जो है बड़ा चाय वाला खाने वाला चम्मच, जिससे हम चावल खाते हैं वो चम्मच ले, शहद का भर के तीन चुटकी आपने काला नमक मिलाना है, अच्छी तरह उसको मिक्स करना है। जिन बच्चों को, बड़ों को और बूढ़ों को देना है, अच्छी तरह मिक्स करना है शहद। और पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले आपने नाज़रीन इसका पाउडर जो है ख़ुद बनाना है, बाज़ार से आपने पाउडर नहीं लेना बना हुआ, आपने साबुत लेकर आना है और साबुत लाकर ख़ुद पाउडर बनाना है। घर में शर्त ये है, जब आप घर में पाउडर बनाएंगे, अपनी आंखों के सामने बनाएंगे, तो आपको तसल्ली होगी। तो जब बूढ़ों को देने लगे आप, तो एक चाय चावलों वाला चम्मच बड़ा आपने लेना है, उसके बाद आपने तीन चुटकी घर का बना हुआ पाउडर, बना हुआ घर का, वो आपने तीन चुटकी इसके अंदर मिला के और बूढ़ों को चटा देना है। रात को सोते वक्त उनकी खांसी जो है ऐसे जादू की तरह जाएगी, इतनी पुरानी खांसी हो चुकी होगी वो जादू की तरह ये खांसी ख़त्म होगी। और इसके बाद जब चाटेंगे, आपने पानी नहीं पिलाना, सो जाना है। सुबह जो है आपने नाश्ता करने से पहले अगर आप चटा देते हैं बच्चों को, बड़ों को, जब भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सर्दी है, दो टाइम आप चटाएं। अगर वो बच्चे सुबह के टाइम खाना पसंद नहीं करते तो आप नाश्ता उनको करवाएं, उसके बाद आप ये चटा दें। तो इस तरह आप दो टाइम बच्चों को खिलाएंगे, ये शायद चटाएंगे शहद नाज़रीन, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा।
तो मैं चाहती हूँ नाज़रीन के आप मुतमिन हो जाएं मेरी दवाइयाँ जो मैं आपको बनाकर आपको दिखाती हूँ, आप मुतमिन हो और आपको जो है आपको समझ आ जाए मेरी दवाइयाँ। मैं यही चाहती हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको जो भी नुस्खे बताऊँ आपको समझ आए, आप उस पर अमल करें, आपको फ़ायदा होना चाहिए। आप जो है दवाई घर में इस्तेमाल करें, अपने हाथों से इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि आपको फ़ायदा हो, आपको परेशानी करने की कोई ज़रूरत नहीं परेशान होने की, कि आप डॉक्टर के पास जाएं, दवाइयाँ लाएं, फिर आपको साइड इफ़ेक्ट हो जाए, फिर आप दूसरी दवाइयाँ लाएं, फिर आप जो है सारी ज़िंदगी आप दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि आप यूनानी की तरफ आएं, देसी दवाइयों की तरफ आएं, घर की चीज़ें बनी हुई आप इस्तेमाल करें, मेरी वीडियो को देखें ताकि आपको घर की चीज़ें मिलें, मज़ीद आपको अच्छे जो नुस्खे मिलेंगे, आपको बीमारियां आपकी ख़त्म होंगी मेरी वीडियो देखने से नाज़रीन। और जो है आप जो मेरी दवाइयां आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी जड़ से बीमारी ख़त्म होगी। अगर आप मेरी दवाइयाँ खाते रहेंगे, जड़ से अगर ख़ात्मा करना चाहते हैं तो मेरी दवाइयाँ इस्तेमाल करें जो मैं आपको नुस्खे बताती हूँ। तो आपको जड़ से बीमारी ख़त्म करनी है तो मेरे चैनल को देखिए, मेरी वीडियो को देखें आप। तो और इसके अलावा आप मुझे मुतमिन मैं आपको करूँगी, दवाई बनाकर आपको मैं आपको जो है मुतमिन करूँगी ताकि आपको जो है आपको खुशी हासिल हो कि हमें इसी दवाई से आराम आना है, हमें कोई और दवाई खानी ही नहीं है। तो नाज़रीन मैं भी आपकी दुआओं की मोहताज हूँ, ऐसे कदरदान बहुत कम होते हैं जो लोग मुझे पसंद करते हैं और मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं और मेरे बताए हुए नुस्खों पर अमल करते हैं। तो नाज़रीन इस तरह आपने बहुत ज़रा जो है एहतियात से मेरी दवाइयाँ इस्तेमाल करें, बहुत ये यानी कि बेफिक्र होकर आप मेरी दवाइयाँ इस्तेमाल करें, आपको जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा आपको, परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी अगर आप मेरे चैनल को देखते रहेंगे। तो नाज़रीन कल इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी ख़ास वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूँगी, तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, मैं बाजी बेटी को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।